नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। बुलेटिन में आपका स्वागत है और खबरों की ओर रुख करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुले मंच से कांग्रेस हो या बीजेपी, उत्तराखंड के सभी 69 विधायकों को अपने विधानसभा से 10-10 योजनाओं के प्रस्ताव लाने का आह्वान किया था। सभी विधायकों को आदेश दिया था कि वो अपनी अपनी विधानसभा से 10 विकास योजनाओं के प्रस्ताव मुख्यमंत्री घोषणा सेल में जमा कराएं। मुख्यमंत्री घोषणा सेल से मिली जानकारी के मुताबिक अभी तक केवल 33 विधायकों ने ही अपने क्षेत्र की विकास योजनाओं से संबंधित प्रस्ताव भेजे हैं। विकास प्रस्ताव भेजने में कुमाऊं के विधायक गढ़वाल के विधायकों से आगे निकले। कुमाऊं से 18 और गढ़वाल से 15 विधायकों ने अब तक प्रस्ताव भेज दिए हैं, जबकि बाकी विधायकों की तरफ से मुख्यमंत्री के इस फैसले को गंभीरता से नहीं लिया गया और विधायकों ने इस फैसले पर गंभीरता नहीं दिखाई और विकास को लेकर उन्होंने कोई प्रस्ताव नहीं भेजे हैं। मंत्री जी की पूरे प्रदेश में सुन कौन रहा है? घोषणाओं पे घोषणाएं ये करते हैं और सोचिए जिन योजनाओं को और प्रस्तावों को लपकना चाहिए था विधायकों ने, अगर वो नहीं प्रस्ताव भेज रहे हैं तो इसका मतलब मुख्यमंत्री कार्यालय का रसूख खत्म हो चुका है, उसकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। प्रदेश के विधायकों को विश्वास ही नहीं है कि हम जो मेहनत प्रस्ताव बनाने में करेंगे, राज्य सरकार के पास वित्त इतना है ही नहीं कि हमारी योजनाओं पे अमली जामा पहनाया जाएगा। उनको भी ये शिगुफा लगता है, उनको भी ये जुमला लगता है। 45 विधायक हैं, उनमें से मेरी जानकारी 5-7 विधायक अभी उनका प्रस्ताव गया नहीं, जिनको हमने आज ही सब कुछ सूचित कर दिया है। कल तक परसों तक हमारे प्रस्ताव देने, विधानसभा सत्र से पहले सबके प्रस्ताव पहुंच जाए। क्या संगठन भी इसको मॉनिटरिंग कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा है? मुख्यमंत्री जिस विषय को बोलते हैं और बीजेपी के विधायकों के संदर्भ विषय होगा तो प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हम भी अपने विधायकों को उस विषय को कन्वे करते हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के तहत उत्तराखंड पवेलियन में उत्तराखंड दिवस समारोह और इस मौके पर आयोजित सांस्कृतिक संध्या में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के विकास में उत्तराखंड के साथ प्रवासी उत्तराखंड वासियों का बड़ा योगदान है। राज्य के विकास की ये सबकी सामूहिक विकास यात्रा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे प्रवासी उत्तराखंडवासी हमारे राज्य के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो 41वें भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की थी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी कैंपटी पहुंचकर 30वां अलगाड़ी घाटी खेल और सांस्कृतिक विकास समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया, हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कैंपटी में लगने वाले इस मेले को 2,00,000 रुपए का अनुदान देने और कैंपटी क्षेत्र के सुनियोजित विकास के लिए कैंपटी को नगर पंचायत बनाए जाने की घोषणा की है। तो टिहरी में सांस्कृतिक विकास समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की थी। इस दौरान उन्होंने टिहरी वासियों को 2,00,000 रुपए के अनुदान की घोषणा की और साथ ही प्रदेश के विकास के लिए सुनियोजित योजनाएं बनाने का भी उन्होंने वादा किया है। यहाँ का विकास हो, वो सेंसिटिव जोन को लेकर जो समस्या है उसके लिए हम माननीय उच्चतम न्यायालय में जाएंगे और अपनी पुनर्विचार याचिका भी दायर करेंगे। साथ ही साथ ये मेला जो कि हमारी संस्कृति को बढ़ाने का काम करता है, संवर्धन का काम करता है, इस मेले के लिए जो भी जरूरी सहायता होगी वो भी किया जाएगा और समय समय पर ऐसे मेले बढ़े इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं, क्योंकि हमारी लोक संस्कृति को बढ़ाने वाले मेले हैं, तो सभी को इसकी शुभकामनाएं। एक बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। विद्युत परियोजनाओं को खोलने का प्रयास चल रहा है उत्तराखंड में। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विद्युत परियोजनाओं को खोलने का प्रयास हो रहा है। 3 बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं पर सरकार का फोकस है। 3,000 मेगावाट की लखवार बांध परियोजना, 6,000 मेगावाट की किशाऊ बांध परियोजना और 300 मेगावाट की बावला नंद प्रयाग परियोजना पर सरकार का फोकस है। इसके अलावा 1200 मेगावाट की बिजली उत्पादन करने में इसमें लाभ मिलेगा, तो विद्युत विभाग में
सरकार का बड़ा फोकस है और सरकार 3 नई परियोजनाएं लागू करने पर विचार कर रही है और इसी में 300 मेगावाट की बावला नंद प्रयाग परियोजना पर सरकार का फोकस है। इसके अलावा 1200 मेगावाट की बिजली उत्पादन करने में भी इससे लाभ मिलेगा, इन परियोजनाओं का लाभ मिलेगा। इन परियोजनाओं से 1200 मेगावाट की बिजली उत्पादन करने में लाभ मिलेगा, प्रदेशवासियों को इसका फायदा होगा। तो विद्युत परियोजनाओं को खोलने का प्रयास कर रही है उत्तराखंड सरकार। 3 बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं पर सरकार का फोकस है और जल्द ही इन विद्युत परियोजनाओं पर विचार किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। ठंड बढ़ते ही उत्तराखंड में बिजली का संकट शुरू हो गया है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ठंड के बढ़ते ही उत्तराखंड में बिजली का संकट शुरू हो गया है। यूपीसीएल बाजार से महंगी बिजली खरीदने को मजबूर है। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपीसीएल बाजार से महंगी बिजली खरीदने को मजबूर है। यूपीसीएल को आयोग से अनुमति मिली है, 100 मेगावाट बिजली खरीदने की अनुमति मिली है यूपीसीएल को। यूपीसीएल रोजाना 10 से 15 मिलियन यूनिट बिजली खरीद रहा है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में जैसे जैसे ठंड पास आ रही है, बिजली का जो संकट है वो गर्माता दिखाई दे रहा है, बिजली संकट शुरू हो गया है। यूपीसीएल रोजाना 10 से 15 मिलियन यूनिट बिजली खरीद रहा है बाहर से और ठंड बढ़ते ही बिजली का जो संकट है वो प्रदेश में शुरू हो जाता है। इस बार भी ठंड के बढ़ने के साथ ही बिजली का संकट शुरू हो गया। यूपीसीएल बाजार से महंगे दामों पर बिजली खरीदने के लिए मजबूर है। यूपीसीएल बाजार से महंगे दामों पर बिजली खरीद रहा है। यूपीसीएल को आयोग से अनुमति मिली है, इसके लिए महंगे दामों पर बिजली खरीद की अनुमति मिली है। 100 मेगावाट बिजली खरीदने की अनुमति मिली है यूपीसीएल को। तो यूपीसीएल रोजाना 10 से 15 मिलियन यूनिट बिजली खरीद रहा है बाहर से। वहीं टिहरी से विस्थापित होकर देहरादून के डोईवाला क्षेत्र में आए लोगों पर फिर से विस्थापन का संकट मंडराने लगा है। विस्थापन से डरे हुए लोग कई बार महापंचायत भी कर चुके हैं। सरकार का प्लान है कि जोली ग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाए, इसी को लेकर सैकड़ों लोगों पर विस्थापन का खतरा सताने लगा है। वहीं टिहरी से बीजेपी विधायक ने भी इस पर सवाल उठाया है। तो टिहरी में फिर से विस्थापन का जो संकट है वो लोगों पर मंडराने लगा है। लोग कई बार इसको लेकर महापंचायत भी कर चुके हैं, आवेदन भी कर चुके हैं सरकारी विभागों में। दरअसल सरकार चाहती है कि जॉली ग्रांट एयरपोर्ट जो है उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए, इसके लिए वहां पर जो लोग स्थापित हैं उनको वहां से हटाया जाएगा, दूसरी जगह पर उनको स्थापित किया जाएगा, तब जाकर सरकार जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का विकास कर पाएगी, जिसके चलते टिहरी के सैकड़ों लोगों पर विस्थापन का खतरा मंडराया हुआ है और इस पर अब बीजेपी विधायकों ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। टिहरी में और भी जो पूरे देश में या दुनिया में विस्थापित हो रहे हैं उनके प्रति शासन प्रशासन सरकार का एक संवेदनशील रवैया होना चाहिए और हम लोगों ने तो अपना सब कुछ खोया है। चिंता का विषय यह है कि जो हनुमंतराव कमेटी की जो रिपोर्ट है उस पर ध्यान नहीं दिया गया। राज्य की सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं में डॉक्टर्स के कुल 2,856 पद सृजित हैं, जिसमें 2,500 से ज्यादा पदों पर डॉक्टर तैनात भी किए गए, लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टर्स की भारी कमी का जिक्र करके कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सरकार के दावों की पोल खोलकर रख दी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि राज्य में 20,000 डॉक्टर्स की कमी है, जो राज्य के मेडिकल कॉलेज 10 साल में भी पूरा नहीं कर सकते। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, सरकार के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। मंत्री गणेश जोशी ने बड़ा दावा किया है, उन्होंने कहा है कि प्रदेश में 20,000 डॉक्टर्स की कमी है जो 10 साल में भी पूरी नहीं हो सकती। देश के अंदर 2.5 लाख से अधिक डॉक्टरों की कमी है। अगर हमारे प्रदेश के अंदर 20,000 से अधिक डॉक्टरों की कमी है और जितने हमारे मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं 10 साल तक भी डॉक्टर तैयार करते रहे तो हम स्वास्थ्य सेवाओं को पूरा नहीं कर सकते। ऐसे में इस प्रकार की संस्थाओं द्वारा जो काम किया जाता है वो सराहनीय है और आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं अमूलचूल परिवर्तन हुआ है।
आज गरीब आदमी जो पहले इलाज के लिए सोच नहीं सकता था, 5 लाख तक का उसका इलाज फ्री होता है, उसके लिए मैं मोदी जी को और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे राज्य में स्वीकृत कर रहे हैं 2856 और हमारे पास डॉक्टर काम कर रहे हैं 1924, लेकिन हमारे पास जो अतिरिक्त हैं जैसे बॉन्डधारी चिकित्सक है वो 466 हैं, संविदा में काम कर रहे चिकित्सक 122 हैं, तो जो टोटल कार्यरत चिकित्सक है सब मिला के हैं वो है 2512। हाँ रिक्त अभी हैं 344 हमारे पास रिक्त हैं और हमारी कोशिश है कि अब इन पदों को भी भरें, क्योंकि अब मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर्स MBBS डॉक्टर्स आने लगे हैं और वो ज्वाइन भी कर रहे हैं। अभी मैंने कहा सरकार में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको सरकार की जो वास्तविक स्थिति है उसके परिप्रेक्ष्य में कोई जानकारी नहीं है, जो मर्जी आए बयान दे देते हैं। तो गणेश जोशी भी उनमें एक है, वो भी रोज सुर्खियों में रहना चाहते हैं। अब सुर्खियों में बने रहने के लिए अगर सही बात कहेंगे तो आप भी कहेंगे ठीक है दिखा देंगे, जब ऐसी बात कहेंगे तो आप भी कहेंगे कि भाई हाँ मंत्री का ज्ञान तो क्या कहना। एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। हजारों बीघा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे हैं, जिले से अब तक महज 26 प्रस्ताव भेजे गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अवैध कब्जे को लेकर जिलों से अब तक महज 26 प्रस्ताव भेजे गए हैं। हजारों बीघा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे हैं, जिनमें से जिलों में से अब तक महज 26 प्रस्ताव भेजे गए हैं। भेजे गए प्रस्तावों में ज्यादातर के मानक पूरे नहीं है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो प्रस्ताव भेजे गए हैं उनमें भी ज्यादातर के जो मानक है वो पूरे नहीं है। 95 ब्लॉक में एक एक केंद्रीय विद्यालय खोलने का प्लान है। 95 ब्लॉक में एक एक केंद्रीय विद्यालय खोलने का प्लान है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हजारों बीघा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे बताए जा रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन के पास प्रस्ताव भी भेजे गए हैं और महज 26 प्रस्ताव जिलों से अब तक भेजे गए हैं। 95 ब्लॉक में एक एक केंद्रीय विद्यालय खोलने के प्लान है और जो ये प्रस्ताव भेजे गए हैं इनमें से ज्यादातर प्रस्तावों के जो मानक है वो पूरे नहीं है। ये प्रस्ताव अपने मानकों पर पूरे नहीं है, खरे नहीं उतरते। 95 ब्लॉक में एक एक केंद्रीय विद्यालय खोलने का प्लान है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून में हजारों बीघा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा बताया जा रहा है। इन अवैध कब्जों पर 95 ब्लॉक में एक एक केंद्रीय विद्यालय खोलने का प्लान है और जो ये प्रस्ताव प्रशासन के पास भेजे गए हैं उनमें से भी 26 प्रस्तावों में से ज्यादातर प्रस्तावों के मानक पूरे नहीं है, इसके बावजूद भी प्रस्ताव भेजे गए हैं। वहीं शिक्षा विभाग में 29 लेक्चरर के पारस्परिक तबादले हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षा विभाग में 29 लेक्चरर के पारस्परिक तबादले हुए हैं। अपर शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल ने जारी किए हैं आदेश। इनमें टिहरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, सुगम से दुर्गम क्षेत्र के स्कूलों में तबादले किए गए हैं। देहरादून, उत्तरकाशी, पौड़ी, चमोली जिलों के शिक्षकों के तबादले किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षकों को 10 दिन के अंदर मूल तैनाती पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून, उत्तरकाशी, पौड़ी, चमोली जिलों के शिक्षकों के तबादले किए गए हैं। इन शिक्षकों को 10 दिन के अंदर मूल तैनाती पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। जी हां, 10 दिन के अंदर इन शिक्षकों को जहां पर इनको तैनात किया गया है, जहां पर तबादले किए गए वहां पर इनको ज्वाइन करना होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षा विभाग में 29 लेक्चरर के तबादले हुए हैं। अपर शिक्षा निदेशक रामकृष्ण उनियाल ने आदेश जारी किए हैं तबादलों को लेकर, जिनमें टिहरी, नैनीताल, अल्मोड़ा, सुगम से दुर्गम क्षेत्र के स्कूलों में ये तबादले किए गए हैं। टिहरी, नैनीताल, अल्मोड़ा में तबादले हुए हैं। देहरादून, उत्तरकाशी, पौड़ी, चमोली जिलों के शिक्षकों के तबादले किए गए हैं। इन शिक्षकों को 10 दिन के अंदर मूल तैनाती पर जाने के निर्देश दिए गए हैं। मूल तैनाती पर 10 दिन के अंदर इन शिक्षकों को ज्वाइन करना होगा। वहीं राज्य में 29 तारीख से होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर जहां सरकार के स्तर पर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, वहीं विपक्ष भी इस बार सरकार को घेरने के लिए खासा मुस्तैद दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि सरकार को सड़क से लेकर सदन तक घेरने का काम कांग्रेस करेगी इस बार, तो विधानसभा सत्र की तैयारियां शुरू हो गई हैं। विपक्ष ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं सरकार को घेरने की। जो विपक्ष की कवायद है वो तेज हो गई है, अभी से योजनाएं बनाने और मुद्दों को तलाशना शुरू कर दिया है विपक्ष ने, ताकि 29 नवंबर को जब शीतकालीन सत्र हो सके तो विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए भरपूर मौका हो, भरपूर मुद्दे हो, सरकार
तो विपक्ष करण महारा ने इस पर बयान दिया है कि शीतकालीन सत्र में वो पूरी तरह से सरकार को घेरने का काम करेंगे और उनके पास इस बार मुद्दों की भरमार है। तमाम तरह के वो सत्र के दौरान मुद्दे उठाएंगे जिन पर वो बात करेंगे। तो 29 नवंबर को उत्तराखंड का शीतकालीन सत्र शुरू होगा, जिसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सरकार भी अपने बचाव में तैयारियां शुरू कर रही है। ट्रिपल एस सी का केस है, अंकिता मर्डर केस में अनेकों खुलासे हो रहे हैं, पुलिस की कमियां, एसटीएफ की कमियां, 29 लोगों की जमानत हो जाना, ट्रिपल एस सी केस में जो गिरफ्तार हुए थे, एसटीएफ का केस को कमजोर करना, ये अनेकों विषय हैं जिन विषयों पर कांग्रेस सरकार को घेरने का काम करेगी। पुराने भी कई विषय हैं जिनको फिर से उठाया जाएगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि बीजेपी की सरकार जल्दी सत्र को खत्म करने की ओर को काम करेगी ताकि उनको सदन में विपक्ष का सामना ना करना पड़े। वहीं एक और बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। 2 साल से ठंडे बस्ते में है 33 करोड़ का वेब पोर्टल। उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 साल से जो उत्तराखंड का वेब पोर्टल है, 33 करोड़ का वेब पोर्टल, वो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। राहत कार्यों के प्रबंधन के लिए तैयार किया गया था सिस्टम, जो फिलहाल ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। विश्व बैंक की मदद से ये वेब पोर्टल तैयार किया गया था। 15 विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों को इसके लिए ट्रेनिंग दी जानी थी, जिस पर काम अभी नहीं हो रहा है, काम रुका हुआ है। ये योजना ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। 15 विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को इसमें ट्रेनिंग दी जानी थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 साल से ठंडे बस्ते में 33 करोड़ का जो वेब पोर्टल है, उत्तराखंड में जो वेब पोर्टल बनना था 33 करोड़ का, वो 2 साल से ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है योजना। राहत कार्यों के प्रबंधन के लिए ये सिस्टम तैयार किया जाना था। विश्व बैंक की मदद से ये सिस्टम, ये वेब पोर्टल तैयार किया जाना था, जिस पर फिलहाल काम नहीं हो रहा है। 2 साल से ये योजना ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। इस योजना के तहत 15 विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जानी थी। तो 2 साल से ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है 33 करोड़ का जो वेब पोर्टल है, जो तैयार होना था ये सिस्टम वेब पोर्टल का, वो ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है योजना। राहत कार्यों के प्रबंधन के लिए सिस्टम को तैयार किया जाना था, जिससे प्रदेश में जब आपदा आए तो राहत कार्यों के लिए एक सिस्टम तैयार हो, वेब पोर्टल तैयार हो, जिस पर काम नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। 20 दिन पहले हरिद्वार को नए पुलिस कप्तान मिले, जिनके आते ही वो अपनी कार्यशैली से चर्चाओं में बने हुए हैं। हरिद्वार के नए एसएसपी अजय सिंह को लोग सोशल मीडिया सिंघम के अजय देवगन से कर रहे हैं उनकी तुलना। रणनगरी हरिद्वार को लेकर उनकी क्या क्या प्राथमिकताएं हैं और आने के बाद उनकी तरफ से क्या क्या मुहिम चलाई जा रही है, इन्हीं सब बातों पर चर्चा की हमारे संवाददाता विकास चौहान ने। हरिद्वार में अभी लगभग एक महीना भी नहीं हुआ है हरिद्वार कप्तान अजय सिंह जी को, लेकिन जब से आए हैं तब से कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है। क्राइम जो पकड़ है उस पर कहीं ना कहीं उनकी बिल्कुल पकड़ एकदम सख्त होती दिखाई दे रही है, उसी पर और अधिक बात करेंगे अजय जी से। सर, सबसे पहले इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। शुक्रिया। और सब ये जिस तरह से आप आए, सबसे पहले आपकी प्राथमिकता अगर क्या थी कि मुझे ये करना है हरिद्वार में धर्मनगरी में जाकर? देखिए, प्राथमिकताएं हमेशा पुलिस की एक ही होती हैं, कानून व्यवस्था और अपराध का निवारण। लेकिन कहीं ना कहीं हमें जो हमारे पीड़ित व्यक्ति हैं, जो थाने चौकियों पर घूमते रहते हैं अपनी शिकायतों को लेकर, उनका त्वरित निस्तारण भी एक प्राथमिकता होती है। अगर पीड़ितों को जितनी जल्दी न्याय मिलेगा तभी वो एक समाज में जो अच्छा संदेश जाएगा, तो इसको लेकर ही फोकस था कि पीड़ितों की बात को सुनना है, जितना निवारण विधिक हो सके उसको करना है। साथ ही साथ कुछ फोकस्ड एरिया हैं जहाँ पर काम करना है, खासकर नशा हो, साइबर अपराध हो, महिला और बच्चों की सुरक्षा का मामला हो, और एक यातायात भी बहुत बड़ी समस्या जनता की है। इन्हीं चीज़ों को दिमाग में फोकस रख के इसमें आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे अपराध देखे गए हैं, जो यहाँ छोटे छोटे होटल लॉज हैं जहाँ पर कुछ पैसों की खातिर जो है अपराध घटित हो रहे हैं, खासकर 376 की जो हम देखते हैं उसमें घटनास्थल पाया जाता है। तो इस पर भी सख्त हिदायत है कि भविष्य में अगर किसी होटल लॉज में नियम फॉलो नहीं किया गया है और वहाँ कोई अपराध घटित होता है किसी महिला बच्चे के साथ, तो उसी अपराध में उसको षड्यंत्र का दोषी पाया जाएगा। और इसी में अभी हमने कार्रवाई करते हुए एक होटल मैनेजर को भी इसमें षड्यंत्र का पाते हुए 376 के अपराध में उसको जेल भेजा है। तो ये थे एसएसपी हरिद्वार जो बता रहे थे किस तरह से उनकी कार्य योजना है हरिद्वार को लेकर। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार।
वहीं काशीपुर में बीती 13 अक्टूबर को कुंडेश्वरी क्षेत्र के स्टोन क्रशर स्वामी महल सिंह की हत्या के मुख्य साजिशकर्ताओं के विरुद्ध न्यायालय द्वारा 82-83 की कार्रवाई करने के आदेशों के अनुपालन में बीते दिनों भारी पुलिस बल के साथ पुलिस अधिकारियों ने उनके निवास पर कुर्की वारंट चस्पा किए जाने के बाद कुर्की की कार्रवाई की। इस दौरान एसपी अभय सिंह ने कहा कि आरोपियों के द्वारा न तो न्यायालय में और न ही पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया। इसके बाद कोर्ट से कुर्की के आदेश प्राप्त करके इनके खिलाफ चल अचल संपत्ति की कुर्की की गई है। तो महल सिंह गोली कांड का ये मामला है जहां पर पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की है। कोर्ट के आदेशों के बाद पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की है, अवैध संपत्तियों को कुर्क करने का काम किया है यहाँ पर पुलिस ने। महल सिंह जी की हत्या के बाद जो सूत्र प्रकाश में आए और उसके बाद जो हम लोगों ने लोकल लेवल पे लॉजिस्टिक दी थी, लोकल लॉजिस्टिक दी थी, उनको हमने ऑलरेडी अरेस्ट करके न्यायालय के समक्ष पेश किया। वो वर्तमान में जेल में है। इसी इन्वेस्टिगेशन में ये आया कि हरजीत काला जो कि मुख्य आरोपी था, इसका बेटा तनवीर, तो ये लगातार फरार चल रहे थे। हमारी टीमें जगह जगह भविष्य दे रही थी। माननीय न्यायालय से 82-83 के आदेश प्राप्त करके हमने चस्पा भी किया था, फिर भी इसके द्वारा ना माननीय न्यायालय के समक्ष सरेंडर किया गया, ना पुलिस के समक्ष सरेंडर किया गया। वहीं लोक निर्माण विभाग, नगर पालिका और पुलिस प्रशासन ने सितारगंज में मीना बाजार रोड पर जेसीबी के जरिए अतिक्रमण हटाया। तो वहीं अतिक्रमण हटाने के दौरान भारी पुलिस बल सुरक्षा के मद्देनजर मौजूद दिखाई दिए। बता दें कि बीते एक हफ्ते से लोक निर्माण विभाग की तरफ से सितारगंज में लाउड स्पीकर की मदद से मीना बाजार स्थित अतिक्रमणकर्ताओं को अतिक्रमण हटाने के लिए सूचित किया जा रहा था, लेकिन कुछ व्यापारियों ने अपना अतिक्रमण खुद हटा लिया तो कुछ ने व्यापारियों ने अपना अतिक्रमण हटाया ही नहीं। तो वहां पर लोक निर्माण विभाग, नगर पालिका, स्थानीय पुलिस प्रशासन ने जेसीबी की मदद से अतिक्रमण हटाया। तो अतिक्रमण के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अतिक्रमण पर प्रशासन का शिकंजा कसा गया है। नगर पालिका और पुलिस प्रशासन की मदद से जो बाजार में अतिक्रमण किया गया था उसको हटाया गया और व्यापारियों को पहले से ही सूचना दे दी गई थी, उनको अलर्ट किया गया था कि वो अपना अतिक्रमण खुद ही हटा ले, नहीं तो मजबूरन पुलिस को अतिक्रमण हटाना होगा। और वही हुआ, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जिन लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया था उनका अतिक्रमण पुलिस ने वहां पर हटवाया। ये पीडब्ल्यूडी द्वारा अपने जो रोड है इसको खाली कराया जा रहा है। हम लोग पूरी पुलिस फोर्स और प्रशासन की तरफ से है और हमारा यही उद्देश्य है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। जो लोग टाइम के लिए जा रहे हैं उसमें पीडब्ल्यूडी अपना अपना निर्णय ले रही है। मुझे लगता है पूर्व में भी पर्याप्त टाइम दिया गया था और अभी तो ये लगातार जारी है। अगर स्वयं अगर तोड़ना चाह रहे हैं तो हमारी कोशिश यही है कि कम से कम नुकसान हो। उस बीच में कुछ लोगों ने जो अच्छे अतिक्रमण थे वो हटाने की कार्रवाई करी, लेकिन अच्छे अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लोगों ने नहीं की। हमारे पास लेवर नहीं मिली है, हाईकोर्ट का आदेश के अतिक्रमण हटाना ही है। तो उसमें ये हो रहा है कि हम लोग एक हफ्ते का समय ये लोग हमसे मांग रहे हैं कि हम लोग एफिडेविट दे रहे हैं। हमारा पक्का अतिक्रमण है, उसको हटाने के लिए लेबर और सारी व्यवस्थाएं करनी है हमें, उसके लिए 7 दिन का समय की डिमांड कर रहे हैं। अभी वो बैठ के समिति जो डिसाइड करेगी उनको 7 दिन का समय दिया जाना है या नहीं दिया जाना है। खबर उधम सिंह नगर से है जहां जसपुर तहसील क्षेत्र के नादेही सिडकुल में देर रात एलपीजी सिलेंडर के एक फैक्ट्री में आग लग गई, जिससे समय रहते काबू पाया गया। उस समय फैक्ट्री में जिस समय आग लगी उस समय फैक्ट्री में लगभग 25 कर्मचारी मौजूद थे। वहीं आग की चपेट में आने से अभयराजपुर निवासी अर्जुन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं आग की सूचना मिलते ही पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौके पर दमकल विभाग के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी पहुंचा, फिर जाकर आग पर काबू पाया गया। वहीं फैक्ट्री में आग लगने से लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। तो जसपुर में एलपीजी सिलेंडर की फैक्ट्री में अचानक आग लग गई, बड़ा हादसा हो गया। आग में झुलसने से एक कर्मचारी की मौत हो गई है और समय रहते दमकल की टीम वहां पर पहुंची और लोगों को बाहर निकालकर किसी तरह आग पर काबू पाया। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो चुके हैं। इसी बीच प्रशासन ने 20 साधुओं को वहां साधना करने की अनुमति दी है। जब तक प्रशासन के पास 72 साधुओं के आवेदन आए हैं, जिसमें पूरी जांच पड़ताल करने के बाद सिर्फ 20 साधुओं को वहां साधना करने की अनुमति दी गई है। वहीं अन्य साधुओं की जांच करने के बाद ही वहां रहने की उनको अनुमति दी जाएगी। तो कपाट बंद होने के बाद वहां साधुओं को बद्रीनाथ धाम में साधना करने की अनुमति दी गई है। 20 साधुओं को
साधना करने की अनुमति प्रशासन की तरफ से दी गई है। बता दें कि अब तक 72 साधु साधना के लिए प्रशासन के पास आवेदन कर चुके थे, लेकिन उनमें से 20 साधुओं को ही अनुमति मिली है। काल में कुछ साधु जो होते हैं वो बद्रीनाथ धाम में निवास करते हैं, तो हमारे द्वारा उन साधुओं का मेडिकल प्रमाण पत्र और अन्य जो दस्तावेज होते हैं जो कि पुलिस के द्वारा चेक किए जाते हैं वो सब देखते हुए उनको शीतकाल की अनुमति दी जाती है। इस साल जो भी आवेदन पत्र हमें प्राप्त हुए हैं उनमें से लगभग 20 लोगों को अभी तक परमिशन दे दी गई है और बाकी लोगों की जाँच और सत्यापन की कार्रवाई अभी चल रही है। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।